जी अलैक्म कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे लवली टिप्स एंड ब्लॉग्स में खुश आमदीद अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप अच्छी शॉल सर्दियों में वूल की शॉल किस तरह बना सकते हैं रीज़नेबल किस तरह बना सकते हैं वो शॉल जिसकी कॉस्ट पंद्रह से बीस हज़ार हो और आप उसको बनाना चाहें चार से पांच हजार में तो आज की वीडियो आपके लिए वीडियो को देखना है पूरा जाना कहीं भी नहीं है वीडियो को करते हैं शुरू बातें करते हैं जी कम खैर इस तरह की जो पतली सी वूल होती है हर कोई यही चाहता है कि सर्दियों में जो शॉल हम ऊपर लें वो लाइट वेट हो क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और गर्म इस सेंस में होते हैं कि गर्म ही साथ चादरें होती हैं गर्म ही ड्रेसेस होते हैं शादियों पे भी इसी तरह होता है अच्छा ये जो चादरें हैं ये तो शादियों पर मंग नियों पे जो भी आपके क्वेशन है इवेंट्स हैं हैं जनाब उसके ऊपर आप इसको वेयर कर सकते हैं। अब ब्राइड जिस तरह मेहंदी है वो ये शॉल भी वेयर कर सकती है और ये शॉल भी वेयर कर सकती है और ऐसी मार्केट में तो आपको मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है जी अच्छा इसकी कॉस्ट अगर आप जानना चाहते हैं अगर आप पहली नजर में आप देखेंगे ये चादर एक तो बहुत बड़ी है इसका जो कॉस्ट है पंद्रह से बीस हज़ार है और इसको चार से पांच हजार में मैंने किस तरह रेडी किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छा सबसे पहले तो जी ये जो है चादर चादर के ऊपर सारा का सारा हैंडवर्क है मल्टी में पतली शॉल है जिस तरह अच्छी वूल की शॉल होती है और इसको क्रोशिया की इस तरह बीडिंग की गई है मैं इसको बीडिंग कहती हूं अच्छा अब क्या किया है मैंने मैंने सबसे पहले आपने क्या करना है एक वो आपको बारह सौ से पंद्रह सौ की इजिली मिल जाएगी ये मुझे मिली तेरह की चादर ये बहुत बड़ी चादर थी अच्छा इसके ऊपर मैंने क्या किया जनाब ट्रेस कर लिया मैंने ट्रेस करवा लिया सॉरी जिसको छापा लगवाना कहते हैं छापा लगवा लिया छापा लगवाने के बाद ज्यूंदी रहन जनाब मेरी माँ जी मेरी अम्मी जान उन्होंने मैनू ए क्रोशिया वाली बीडिंग करके दी क्योंकि मेरी अम्मी जी को क्रोशिया बहुत अच्छा आता है अच्छा उन्होंने मुझे बीडिंग करके दी उसके बाद ये जो धागा है ना ये है एंकर का धागा अगर आप गुच्छियाँ लेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी आप चाहें तो अपनी चादर के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं ये बनवाई थी मैंने मेहंदी के लिए शॉर्ट ठीक है मेहंदी के ड्रेस के साथ अच्छा ये एंकर का धागा है एंकर का धागे की अगर आप गुछियाँ लेंगी तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि चादर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है लेकिन 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 ये मुझे सस्ता किस तरह पड़ा ये जो खुला धागा होता है ना एंकर का अट्टी वाला धागा भी जिसको पंजाबी में कहते हैं ये वो वाला धागा है मैंने वो वाला लिया और क्या किया ड्रेस करवाने के बाद मैंने सारा का सारा काम इतना सोखी ये एम्ब्रॉयडरी है मैं शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ इसकी हैंड एम्ब्रॉयडरी की आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर इतनी सौखी है ना ये सारा का सारा डंडी वर्क है ये छोटी की जो भरवा टांका होता है उसके छोटे छोटे बने हुए हैं और ये जो है जनाब भरमे टांके की इसको जब आपने इसका ट्रेस करवाना है तो आपने कहना हमें शीशा पट्टी वाला ट्रेस करके दें ये शीशा पट्टी वाला ही स्केच है ट्रेस है अच्छा ये जो है यहाँ पे मिररर लगने थे लेकिन मैंने मिररर नहीं लगाए मैंने यहाँ पे फ्राई की है तो मेरी शॉल जो है इसके बॉर्डर बने हुए हैं जनाब बहुत ज्यादा हैवी और दरमियान में इस तरह के गोल गोल बड़े बड़े बने हुए हैं जी Uh, क्या कहते हैं इसको गोल गोल अंडे <laughs> अंडे तो नहीं कहेंगे मतलब ये जो गोल गोल सर्कल है ये पूरी शॉल के दरमियान में जाल बिछा हुआ है और इसके बने हुए हैं जी पल्लू और ये शॉल अगर आप मार्केट से तो आपको ऐसी मिलेगी ही नहीं और अगर मिल भी जाएगी जनाब तो ये मिलेगी आपको अठारह से बीस की जो लोग परचेज़ करते हैं जो लोग लेते रहते हैं उनको इस चीज़ का पता होता है आइडिया होता है अब आपके साथ सेकेंड शॉल शेयर करती हूँ जी ये है जी मेरी सेकंड शॉल अगर आप स्किन शॉल से परेशान आ चुके हैं अच्छा एक स्किन शॉल आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हर जगह पे आपने खुशियों पे तो ओ, नहीं मतलब ये है कि अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में कोई दुख आए कोई गम आए मतलब मेरा ये है कभी आपको सोबर लुक भी चाहिए होती है डिसेंट लुक भी चाहिए होती है अब येलो तो ये थोड़ी सी फंकी हो जाती है ना जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाई है मेहंदी के ऊपर किसी इवेंट के ऊपर आप इसको वेयर कर सकते हैं अच्छा जो कैजुअल आपने वेयर करना है मार्केट जाना है किसी के घर वैसे आपने जाना है मिलने जाना है बहन भाइयों के घर तो वो आप इस तरह के ऐसे अच्छा, स्किन शॉल वही वाली एम्ब्रॉयडरी वाली चारों साइडों साइडों पर बॉर्डर पल्लों पर बार्डर कढ़ाई चढ़ाई इससे आप तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए इस शॉल की आपने पूरी की पूरी डिटेल देखनी है अच्छा यही शॉल सेम मैंने ले ली बारह सौ की वूल की शॉल आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती है अच्छा जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं ना जहाँ से थोक का सामान मिलता है जहाँ से ज़्यादा कपड़े मिलते हैं वहाँ से आपको ये शॉल अच्छे अर्ज़ में और हर कलर में मिल जाती हैं 1200 से 1300 1300 से 1400 की लाजमी सवाती शॉल्स भी होती हैं वूल की शॉल्स भी होती हैं पश्मीना शॉल्स भी होती हैं खैर ये सारी की सारी वूल की शॉल्स हैं अच्छा खैर इसका मैंने क्या किया मैंने ये दो जो थी ना अर्ज दो मीटर लंबी मैंने ले लिया कपड़ा ये कपड़ा वो काट के दे रहे थे अंकल जी ठीक है दो मीटर कपड़ा ले लिया मैंने तेरह का और इसका स्टफ इतना अच्छा है ना जिस तरह आप महंगी शॉल लेते हैं स बारह हजार वाली उस वैसा स्टाफ है लाइट वेट में अच्छा और मैंने क्या किया मैंने आधा मीटर एक साइड का और आधा मीटर एक साइड तकरीबन तो सवा मीटर मैंने ले लिया और गेंजा का कपड़ा। आप चाहें तो अपनी से भी और गेंजा का कपड़ा ले सकते हैं। अपना जो आपको कलर पसंद है आप उस कलर की भी एप्लिक करवा सकते हैं अच्छा खैर मैंने अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए जो मेरी वूल की शॉल में से आधा मीटर मैंने एक्स्ट्रा लिया आधा मीटर मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया दो मीटर मैंने चादर का लिया और सवा मीटर मैंने क्या कर लिया और का कपड़ा ले लिया और को उस पल्लू भी अटैच कर लिया आधा मीटर से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा ये यह देखें यहां से स्टार्ट हो रहा है और आ, उस साइड पर भी अटैच कर लिया उस साइड पर भी अटैच कर लिया अब मैंने क्या किया एप्लिक वाला ट्रेस किया <laughs> एप्लिक वाला ट्रेस करने के बाद जनाब वही जो चादर का आधा जो मैंने जो मीटर था वो मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसी को मैंने मशीन वाले अंकल को दिया ये जो कढ़ाई वाले करते हैं मशीनरी कढ़ाई करते हैं उनको दिया मैंने कहा कि आपने इसी के ऊपर फूल बना के और साइडों पर एम्ब्रॉयडरी मुझे करके देनी है काम थोड़ा सा टफ था खैर उन्होंने मुझे कर दिया ये दो साइडों पर किंगरी हुई है मैं तो किंगरी कहती हूँ कटवर कह लें किंगरी कह लें पंजाबी से जनाब जो मर्ज़ी कह लो अच्छा आप चाहें तो इसको माथापट्टी वाली साइड पर भी कर सकते हैं लेकिन मैंने माथापट्टी वाली साइड नहीं की और दरमियान में अंकल जी का अल्लाह करे भला उन्होंने मुझे दरमियान में डाल दी बूटियाँ इस तरह की ठीक है अच्छा साइडों पर आपने क्या करना है ये एप्लिक मैंने सेम चादर के कलर की आप चाहें तो मरून कलर की वेलवेट ले लें मरून कलर का कोई कपड़ा ले लें अटल ले लें कोई गर्म कपड़ा पशमीना ले लें और उसकी साइडों पर जो है एम्ब्रॉयडरी करवाए और दरमियान में आप वो कपड़ा पुटअप करवा सकते हैं चादर की फुल लुक फाइनल लुक कुछ इस तरह की आती है इतनी कोई हसीन लगती है और यह बला की हसीन लगती है आप लोग सोच भी नहीं सकते खैर अच्छा ये कितने की थी तेरह सौ की चादर आ गई कोई तकरीबन पाँच सात सौ का कपड़ा आ गया और गेंजा का और सौ रुपया छापा लगाने वाले लिया हज़ार रुपया मैंने हज़ार से बारह सौ मैंने अंकल मशीन वाले को दिया उन्होंने ये कटवर्क वगैरह बनाए थे तो फिर मैंने पाँच सौ उनको एक्स्ट्रा दिया तकरीबन तकरीबन साढ़े चार हजार मेरी चादर मेरी रेडी होगी और इस चादर की कॉस्ट जो थी कम अज़ कम बारह से तेरह हजार थी अब आपके साथ मैं अपनी मोस्ट 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 फेवरेट शॉल आपकी शेयर करने ये शॉल जी मेरी मोस्ट फेवरेट कलर ग्रीन कलर ओहो मैं इतनी एक्साइटेड मेरी एक्साइटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरी कितनी फेवरेट होगी अच्छा खैर ये वही बात है कि जब भी आप शॉल लेने जाएं आपको या तो स्किन कलर मिलता है या लाइट कलर मिलते हैं अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेहनत लगती है जिस तरह के मैं आपको काम बताती हूँ इसमें मेहनत ज़्यादा है और पैसा कम है और ज़ाहिर है या तो आप पैसा खर्च कर लें या अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर लें तो जब आप मेहनत एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं थोड़ी सी तो पैसा तो जाहिर आपको कम खर्च करना पड़ेगा तो इतनी महंगाई के दौर में जनाब तुझी तो अपनी थोड़ी जी मेहनत ला लो तो पैसा बचा लो की जाना है अच्छा खैर आप ये भी मुझे ग्रीन कलर का कोई क्रेज़ था इंतहा का और मैं मशीनी जो एम्ब्रॉयडरी है वो ले लेके थक चुकी थी तो मैंने क्या किया जनाब ये देखें यह भरी बिल्कुल वूल की शॉल है इस तरह की मार्केट से आपको फ़िलहाल तो मिलेगी नहीं और अगर मिलेगी भी जनाब तो 18 से बीस हजार उसकी कॉस्ट होगी ही होगी 18 से बीस हज़ार से कम आपको नहीं मिलेगी ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कोई भी नहीं करके देता कोई भी नहीं करके देता खैर ये भी मैंने चादर ली अठारह सौ की चादर का स्टफ देखें और जो मैं चादरें आपको दिखा रही हूँ इनके अर्ज इतने हैं कि डेढ़ गज़ लम मतलब चौड़े <laughs> डेढ़ गर्ल्स चौड़ाई में भी है लंबाई में तो ढाई से भी ज़्यादा मतलब पौने तीन है ठीक है सबके और इसके जो हैं दरमियान में कुछ भी नहीं था चादर के सेंटर में मतलब चा, चादर के पल्लू थे और चादर की माथा पट्टी थी अच्छा प्या मैंने क्या किया ये तो मैंने मतलब खुद से ही ट्रेस कर लिया ना जिस तरह पैमाना ले के उसका करके वो मैंने आ, मतलब ट्रेस कर लिया चौक जो बच्चों के कलर होते हैं ना उसमें आ, बच्चों के जो कलर्स होते हैं उसमें से वाइट कलर निकाल के मैंने क्या किया पहले इसको ट्रेस किया उसके बाद मैंने तीन कलर्स के धागे लिए आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं मुझे जो सूटेबल लगे जो अच्छे लगे मैंने तीन कलर्स के धागे लिए उसके बाद मैंने क्या किया जनाब रेशम वर्क का धागा इसके ऊपर सारा का सारा यूज़ हुआ है कि चादर में थोड़ी सी शाइन आ जाएगी आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वूल की चादर का कलर भी अपनी चॉइस के और उसी अकॉर्डिंगली ही आपने दे धागे लेने अगर आपको ये कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है तो आप ये ले सकते हैं अच्छा खैर अठारह सौ की मैंने चादर ले ली मेरे तकरीबन चार से पाँच सौ के मेरे धागे आ गए ट्रेस मैंने खुद कर लिया कितना बन गया चौबीस से पच्चीस सौ और फिर मैंने क्या किया ये सारा का सारा जो मच्छी टांका है ये बॉक्सेस मैंने बना के खुद दिए एम्ब्रॉयडरी वालियों को और ये एम्ब्रॉयडरी

फाइनली 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 पाँच से पचपन सौ में मेरी ये चादर तैयार हो गई और ये चादर ली हुई तो ऐसे लगती है हाय 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 ब्रांड से ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं जनाब जो खुद आ बनाएँ और इतनी मज़े की हों और इतनी प्यारी हों खैर इसके पल्लू भी थे इसका बॉर्डर भी था और इसकी माथा पट्टी भी थी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो जाए बस यही थी जी यहाँ पे कर देते हैं जी आज की वीडियो को एंड बातें ज़्यादा हो जाती हैं फिर अच्छा जी यही थी बाकी ये है अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें सारी की सारी वीडियोस देख लिया करें जिना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती, होती है बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है उनमें से बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जी अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय